गाइस, मेरी बताई हुई ये सिर्फ 3 एक्सरसाइज फॉलो कर लीजिए, आपके हिप्स प्रॉपर शेप में आ जाएंगे, इनको बहुत अच्छा शेप मिल जाएगा, टोन अप हो जाएंगे। अगर आपके हिप पे बहुत ज्यादा फैट है तो वो कम हो जाएगा, और अगर आपके बिल्कुल फ्लैटन है तो उनको एक प्रॉपर शेप मिल जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज बॉडी पर एक ही तरीके से काम करती है। बेसिकली आपके जो हिप साइज है, आपके जो ग्लूट मसल है, उसको बहुत अच्छे से टोन अप करने का काम करती है। तो इसको रेगुलर फॉलो करें और विद इन अ मंथ आपको बहुत अच्छा डिफरेंस फील होगा अपने अंदर। तो देरी किस बात की यार, फटाफट से देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है और फॉलो करते हैं। अब ये है ग्लूट ब्रिज। इसके लिए आपको पहले सीधा लेट जाना है। लेटने के बाद आपको अपने लेग्स को इस तरीके से रखना है और हैंड्स को अपने मैट से लगा के रखना है जमीन से। अपने हिप को ऊपर उठाना है। यहाँ पे ग्लूट मसल जो जिनकी ज्यादा है वो कम हो जाएगी और जिनकी बहुत फ्लैटन है वो शेप में आ जाएगी। आप ऐसा कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखिए, 10 टू 20 सेकंड्स के लिए होल्ड रखिए, देन डाउन। अगेन इसको करना है। रिलैक्स हो जाइए। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फ्रॉग ब्रिज। फ्रॉग ब्रिज के लिए हमें पोजीशन कैसे लेनी है, अपने पैरों को, पैरों की जो हील्स है उनको इस तरीके से जॉइन करना है। जॉइन करने के बाद आपको हैंड जो है अपने मैट से सटा के रखने हैं और अपनी ग्लूट को ऊपर उठाना है, देन होल्ड करना है, फिर नीचे लेकर आना है। इसमें हम ज्यादा सेकेंड्स के लिए होल्ड नहीं करेंगे, इंस्टेंट ऊपर लाएंगे और इंस्टेंट नीचे लेकर आएंगे। ये सारी एक्सरसाइज आपके ग्लूट मसल पे काम करेंगी, उसको टोन अप करेंगी और एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस करेंगी। रिलैक्स हो जाइए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी फ्रॉग स्ट्रेच। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी हील्स को ऐसे जॉइन करना है, घुटने हमारी यही शेप रहेगी, लेग पोजीशन यही रहेगी, कमर हमारा बैक स्ट्रेट रहेगा, हैंड्स हमें आगे लेके जाने हैं, अपनी कमर को पूरा बेंड करना है। इसे कहते हैं फ्रॉग स्ट्रेच। ये भी आपकी ग्लूट मसल पे वर्क करेगी। तो 15 रिपीटेशन करनी है आपकी, 15 के आपको 2 या मिनिमम 3 सेट्स तो करने ही करने हैं। जितना बेस्ट दे पाए उतना बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेगा। रिलैक्स हो जाइए। यहाँ पे हमारे 15 सेट्स कंप्लीट होते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये प्यारी सी एक्सरसाइज? अच्छी लगी तो आपको करना है लाइक और शेयर, और साथ में फॉलो डेली करना है। आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, डेफिनेटली मैं उनका साथ के साथ आपको हर क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ऐसे कुछ नया देखना चाहते हैं तो अपना सजेस्टेड टॉपिक भी मुझे शेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगी, विद अपना सिटी नेम जरूर मेंशन करना। ऐसे ही खूब सारा प्यार देते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।